सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज में सोमवार को सीसीटीवी की निगरानी में हाई स्कूल गणित की कॉपियों का मूल्यांकन किया गया, जिसके संबंध में सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरवी सिंह ने बताया कि प्रदेश में 23 अप्रैल से कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य हो रहा है, जिसमें सभी व्यवस्था विभाग के द्वारा दी गई है, जिसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक ही कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें विभाग द्वारा 798 परीक्षक 82 डिप्टी हेड को दिया गया है, जिससे कॉपियों का मूल्यांकन जल्दी हो रहा है। उन्होंने कहा सभी परीक्षक सीसीटीवी की निगरानी में कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं और सभी कमरों में पानी की व्यवस्था कराई गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय पर 2 कांस्टेबल तैनात हैं जो 24 घंटे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परीक्षक मिथिलेश कुमार सिंह एवं सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आरबी सिंह ने कहा मिथिलेश कुमार सिंह हाई स्कूल गणित। हाँ, कब तक क्या मूल्यांकन समाप्त हो गया गणित का, और आज जो है कि पावना भरा जा रहा है उसका। किस तरह से सर चेक किया जा रहा है? काफ़ी चेक तो स्टेप बाय स्टेप देखा जाता है, फार्मूला भी देखा जाता है। अगर फार्मूला सही है तो उस पर भी नंबर हाफ या एक नंबर जैसा भी क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से दे दिया जाता है। मैं आरबी सिंह, प्रधानाचार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज गोरखपुर। सर हाई स्कूल में कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है, सर किस तरह से हो रहा है, अध्यापक लगे? ये उत्तर प्रदेश में 23 तारीख से मूल्यांकन कार्य परिषद के निर्देशानुसार चल रहा है, और जितने भी ज़्यादातर अब इस साल जो है ये व्यवस्था परिषद के द्वारा दी गई है कि जो परिषदीय इसमें हमारे माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक गण हैं वही लोग कॉपी का मूल्यांकन कर रहे हैं। और चूँकि हमारे केंद्र पर अक्सर मैंने बीच में न्यूज़पेपर में देखा कि कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने कुछ कमी का उजागर किया, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब कंसेंट दिया था तो 500 परीक्षक और 50 डिप्टी हेड का मैंने दिया था, परंतु परिषद द्वारा किन परिस्थितियों में किन कारणों से हमें दिए गए हैं 798 परीक्षक और 82 डिप्टी हेड, इस नाते थोड़ा सा इसमें बैठने में असुविधा लोगों को हुई, और जिसका 2 बार मैंने देखा कि अखबार में हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने मतलब उसको छापा भी था। सर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था की जहाँ तक बात है, सारे परीक्षक हमारे सीसीटीवी कैमरे में बैठे हुए हैं और पंखे लगे हैं, पानी की समुचित व्यवस्था है, बल्कि एक हॉल हमारे पास है
परीक्षक अधिक होने के कारण उनको हॉल में बैठाया गया था जो टीन सेट का है, उसमें 10 पंखे लगे हैं। बीच में हमारे अधिकारियों के द्वारा एक आदेशित किया गया कि कुछ और व्यवस्था की जाए, तो वहाँ कूलर इत्यादि की भी हमने व्यवस्था करी थी। जो संस्कृत विषय के परीक्षक उसमें काफ़ी जाँच रहे थे, संस्कृत का मूल्यांकन कल ख़त्म हो गया है, अब लोग चले गए हैं यहाँ से।